नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल का आइकन दबा। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर और आप सबके परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए माता शीतला की साधना लेकर आए हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में माता शीतला को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बड़ी मसानी या बड़ी देवी या बूढ़ी देवी या चौगानन वाली देवी, चौराहे वाली देवी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी तंत्र मंत्र करता है, पूजा पाठ करता है, वो सबसे पहले भोग चौराहे वाली माता को देता है। दोस्तों, इसका कारण ये भी है कि किसी को अगर तंत्र मंत्र करना है तो बिना चौराहे से कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती किसी के घर में। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं माता की साधना लेकर आया हूं, अगर इनको आप प्रसन्न कर लेते हैं तो। दोस्तों, किसी का भी मंत्र तंत्र यंत्र, बड़ी से बड़ी विद्या किसी की नहीं चलेगी। दोस्तों, ये प्रसन्न होने पर जैसे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार माता शीतला भी प्रसन्न होती है। और शीतला माता को ही बोला जाता है, शीतले त्वम जगत माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जिस प्रकार भोलेनाथ भगवान को जल चढ़ता है, उसी प्रकार शीतला माता का निवास नीम के पेड़ में माना जाता है। और नीम के पेड़ में भी कई लोगों को आपने देखा होगा, वो जल चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये साधना बहुत छोटी है, 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि चालू हो रही है, आप उसमें ये साधना कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ये साधना कर सकते हैं। मात्र 11 दिनों की साधना है और गुप्त नवरात्रि में, जब तक गुप्त नवरात्रि रहेगी तब तक करना है। और जैसे ही साधना कंप्लीट होती है, उसके बाद प्रतिदिन एक माला का आपको जाप करना है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, 7 अगरबत्ती लेना है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें 2 लौंग लेना है और थोड़ी सी शक्कर डाल लेना है। दोस्तों, ये आपको प्रतिदिन नवरात्रि में शुरू से लेकर प्रथम से लेकर नवमी तक आपको यही प्रक्रिया करना है। और ये जो आपने धार बनाई है, ये नीम के पेड़ पे आपको प्रतिदिन डालना है। आप चाहें तो नीम के पेड़ के नीचे ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, ये मंत्र की 11 माला करना है। दोस्तों, ये माता दुलारी हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, फोड़े फुंसी की शिकायत होती है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये और कोई नहीं, माता शीतला का ही प्रकोप है। बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण भी माता शीतला है, क्योंकि आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा कि माता तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों का नाश कर देती हो, और जब आप कुपित होती हो तो सबका विनाश कर देती हो। दोस्तों, ये वही माता हैं और ये महाजगदम्बा हैं, ये आदि माता हैं। दोस्तों, इनको प्रसन्न कर लेंगे तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी पेपर पे लिख कर दे रहा हूँ, अगर आपने ये साधना कर ली तो आपके घर में जो भी तंत्र मंत्र यंत्र होगा अपने आप ही हट जाएगा। हटने के साथ साथ कोई आपके ऊपर तंत्र कर नहीं सकता पूरी ज़िंदगी। दोस्तों, आपको ये साधना लगातार करते रहना है, जिससे मंत्र में बल बढ़े और देवी की विशेष कृपा आप पर होती जाए। दोस्तों, आप चाहें तो फूल वाली 2 लौंग, शक्कर और थोड़ा सा जल तांबे के लोटे में प्रतिदिन चढ़ाएं और यही मंत्र बोल कर चढ़ाएं, और वहीं पर बैठे बैठे आपको 11 माला पढ़नी है, और आप चाहे तो 1 माला भी पढ़ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। दोस्तों, यही थी जानकारी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जानकारी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता जी, आपका दिन शुभ रहे।